तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खेओ जीरो बिन। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर में आया एक नए मास्टरी करके जो सिस्टम है उसके बारे में। ये जो मास्टरी का सिस्टम है ये क्यों आया है और क्या है, और इसके अंदर जो फ्री में परमानेंट गन स्किन मिल रही है वो आपको कैसे मिलेगी, कैसे जो इसका प्रोग्रेस पड़ेगा। तो अगर आप वेपन वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर एक मास्टरी करके एक नया देख सकते हैं सेक्शन है। तो ये पूरा मास्टरी सिस्टम है, यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर गाइस फ्री फायर में जितनी भी जो वेपन्स हैं सिर्फ ग्लूवल और ग्रेनेड को छोड़कर या मिली वेपन्स को छोड़कर, मिली वेपन जैसे कि कटाना होगी, पेरांग होगी, इन सब चीज़ों को छोड़ के जितनी भी गन स्किन है फ्री फायर में वेपन्स है उन सब की एक एक यहाँ पे आपको स्किन बिल्कुल परमानेंट फ्री में मिलेगी इस सिस्टम के थ्रू। तो बेसिकली जो वेपन मास्टरी सिस्टम है ये इसलिए कर इन्होंने लॉन्च किया है क्योंकि यहाँ पे गाइस जो भी बंदा जैसे आप फेवरेट गन है जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसके लिए गाइस आपको एक परमानेंट गन स्किन मिल सके, ठीक है। और यहाँ पे जो गन स्किन है आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पे बता रखा है कि आपको जो इसका BR में या CS में उसका यूज़ करना है। जैसे जैसे आप उसका यूज़ करोगे, किसी को डैमेज दोगे या किसी बंदे को मारोगे या फिर उसको हेडशॉट से मारोगे तो इसका जो है प्रोग्रेस बढ़ेगा और आपको यहाँ पे इसमें से गन स्किन परमानेंट मिलेगी। और इसमें जो रिवॉर्ड्स हैं गाइस वो अलग अलग स्टेज में, जैसे कि पहली स्टेज में आपको यहाँ पे जो है 7 दिन के ट्रायल पे मिलेगी, इसके बाद सेकंड स्टेज पे जो एक्सपीरियंस आप हो जाएगा उस गन का उसमें आपको यहाँ पे 2 वेपन डॉल के वाउचर मिलेंगे, और तीसरी एडवांस स्टेज पे गाइस आपको परमानेंट गन स्किन मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, बस उस गन का ज़्यादा यूज़ करना है जिसकी आप स्किन चाहते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आप, मुझे पता चल रहा था लोग जो है M1887 की स्किन के लिए चक्कर में होंगे क्योंकि उनके पास एक भी स्किन नहीं होगी, तो इसमें से कट्टे की स्किन निकालने के लिए होंगे वो, ठीक है। तो कट्टे की अगर आपको स्किन निकालनी है जल्द से जल्द तो आपको सिंपल सी बात है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गाइस आपको सिर्फ BR और CS मोड ही खेलना है, चाहे रैंक खेलो क्लासिक, लेकिन अगर आप इसमें लोन वुल्फ या कस्टम खेलोगे तो उसका प्रोग्रेस इसमें नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि आपको BR लगा लेना या CS ज़्यादा खेल सकते हो तो CS खेलना, और उसमें उसी गन का ज़्यादा यूज़ करना जिसकी आप गन स्किन निकालना चाहते हो, उसी से सबसे ज़्यादा बंदों को मारना या फिर सबसे ज़्यादा बंदों से हेडशॉट देना, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो उस गन का जो प्रोग्रेस बहुत जल्दी से बढ़ेगा और उस पर्टिकुलर गन की आपको गन स्किन इसके अंदर से बिल्कुल परमानेंट फ्री में मिल जाएगी, वो भी काफ़ी जल्दी। तो इसके अंदर गाइस मैं आपको बता दूं जो इवेंट है गाइस काफ़ी टाइम तक रहने वाला है, मैं तो जब तक ये अपडेट है आने वाले काफ़ी अपडेट तक रहेगा, तो इसमें चिंता मत करना कि ये खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में, इसलिए हम फटाफट से इसको कर लेते हैं। इसको आराम से करो, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी है कि आज ही मतलब 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना है पूरा इवेंट, ऐसा नहीं है। आप इसे आराम से भी कर सकते हो कि ये परमानेंट रहेगा सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वैसे ये बहुत टाइम टेकिंग इवेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको गेम्स खेलने पड़ेंगे अलग अलग गन का यूज़ करके, तो इसमें काफ़ी टाइम वैसे भी लगने वाला है, ठीक है। तो बाकी गाइस मुझे इसमें इतना ही बताना था कि इवेंट जो है परमानेंट रहेगा, साथ में गाइस इसके अंदर गन स्किन आपको परमानेंट जल्दी कैसे मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।